Rahman Rahim, Assalamu Alaikum, welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फूड एडिटिव्स. नाम से ही जहर एडिटिव्स यानी ऐसी चीज़ें जो फूड में ऐड की जाती हैं या उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए या फिर उनको फ्लेवर देने के लिए. जो भी चीज़ें इस लिहाज से ऐड की जाती हैं कि उनको कलर देने के लिए या अट्रैक्टिव यानी बनाने के लिए या उनमें फ्लेवर ऐड करने के लिए या फिर उनको प्रिजर्व करने के लिए, उन सबको एडिटिव्स कहते हैं. ऑब्जेक्टिव इसके सिंपली यही है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट आर फूड एडिटिव्स, के फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, हैं क्या, अंडरस्टैंड करेंगे क्यों फूड एडिटिव्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, क्यों फूड में एडिशन की जाती है, अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एडिटिव्स हैं डिफरेंट उनके सोर्सेज क्या हैं, और ये अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट रोल्स एंड फंक्शन ऑफ फूड एडिटिव्स इन फूड, के फंक्शन क्या है डिफरेंट जो एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं फूड में उनका. व्हाट आर फूड एडिटिव्स, सबसे पहले तो डेफिनेशन हम देखते हैं के होते क्या हैं. तो बेसिकली बात कर रहा है कि जो हम तक, जो फॉर एग्जांपल जो देसी लोग हैं, हम तक जो फूड पहुंच रही है, जो ईट करते हैं हम फूड, वो मोस्टली नॉट प्रोसेस्ड, वो प्रोसेस्ड नहीं होती. जैसे ही वो उतारी जाती है वैसे ही जो है ना वो मार्केट में आके जो है ना प्लंग करने के बाद मार्केट में आती है और मार्केट से हमें डायरेक्टली मिल जाती है, वो प्रोसेस्ड नहीं होती. लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ फूड जो होती हैं वो प्रोसेस्ड होती हैं, जैसे कुछ फूड्स फ्रोजन होती हैं या हमें जो है ना कुक्ड मिलती हैं या फिर इस तरह मिलती हैं कि वो बॉयल हुई होती हैं, तो हम उनको सिर्फ जो है वो रोस्ट वगैरह करते हैं या उनको सिर्फ जो है ना कुक करते हैं. तो ये जो फूड प्रोसेसिंग होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम केमिकल्स आर ऑफन एडेड. तो ये जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं इनमें कुछ थोड़ी सी मिकदार में कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐड कर दी जाती हैं जिनको फूड एडिटिव्स कहते हैं, कि जो फूड प्रोसेस्ड होती हैं पहले से उनमें ये चीज़ें ऐड करते हैं कुछ एडिटिव्स जिनको फूड एडिटिव्स कहते हैं. ये एडिटिव्स के आगे अब डेफिनेशन आ गया कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड प्रोडक्ट का पार्ट बनता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यूरिंग सम फेज ऑफ प्रोसेसिंग स्टोरेज और पैकेजिंग, कि जब उस फूड को प्रोसेस कर रहे होते हैं या उसकी स्टोरेज कर रहे होते हैं या फिर वो पैक हो रही होती है, उस वक्त ये जो एडिटिव्स हैं वो उसका हिस्सा बन जाती हैं. बेसिकली जो फूड एडिटिव्स है वो समथिंग ऐसी कोई चीज़ है जो नॉर्मली जो है ना वो फूड में नहीं होती, ना ही हम खाते हैं, लेकिन ये ऐड की जाती है. फूड एडिटिव्स जनरल डेफिनेशन की बात करें तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना वो फूड प्रोटेक्शन कमेटी ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 1959 में जो वो बनाई गई थी उसके मुताबिक ये डेफिनेशन है कि ये सब्सटेंस, इट इज़ ए सब्सटेंस आर ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, कि कोई एक सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर मिक्सचर भी हो सकता है अदर देन द बेसिक फूड स्टफ, कि जो बेसिक फूड है उस स्टाफ के अलावा कोई ऐसा सब्सटेंस जो प्रेजेंट इन फूड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग स्टोरेज और पैकेजिंग, जो इसलिए फूड में जो है ना वो मौजूद होता है कि उस फूड की प्रोडक्शन के लिहाज से या फिर उसको प्रोसेस करने के दौरान या स्टोरेज या फिर पैकेजिंग के दौरान उसमें एडिशन या उसमें प्रेजेंट होता है, तो दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड चांस कंटामिनेशन. तो इस टर्म में ये बात नहीं है कि वो चांस कंटामिनेशन यानी कोई आलूदगी वाली चीज़ शामिल नहीं हो सकती. तो ये बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि कोई ऐसा मिक्सचर या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो फूड के स्टफ के अलावा है और वो फूड को जब प्रोसेस किया जा रहा है, पैकेज किया जा रहा है या स्टोर किया जाता है, तब उसमें प्रेजेंट होता है, तब उसमें ऐड किया जाता है. कोडेक्स एलिमेंटोरियस, जो कोडेक्स है और इसमें एलिमेंटोरियस है, एडिटिव्स आर नॉट कंसिडर्ड न्यूट्रिशनल इवन इफ दे हैव सम न्यूट्रिएंट वैल्यू. तो वो कहता है कि ये जो एडिटिव होते हैं ये बेसिकली इनके कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, ना इनको न्यूट्रिशनल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना सिंपली बेशक इनकी वैल्यू हो भी हो तो इनको कंसीडर नहीं किया जाता. मैनी मीन्स एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज फूड बट इटसेल्फ एंड नॉट नॉर्मली यूज्ड एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड. तो ये फिर बेसिकली जो है ना वो एडिटिव्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आमतौर पे खुराक के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, जैसे कोई कलर वगैरह या रंग वगैरह जो फूड को दिया जाता है इसको हम कभी भी एज अ फूड इस्तेमाल नहीं करते. तो इसलिए जो है ना ये द टर्म डज नॉट इंक्लूड कंटामिनेंट्स आर सब्सटेंस एडेड टू फूड फॉर मेंटेनिंग और इंप्रूविंग न्यूट्रिशन क्वान्टिटीज. इस टर्म में वो कहते हैं कि वो चीज़ें या वो कंटामिनेंट्स नहीं आते जो या सब्सटेंस जो फूड की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. जो एडिटिव्स हैं, नीड फॉर एडिटिव्स, एडिटिव्स की जो है ना अब जरूरत क्या है, अनअवॉइडेबल इन द कम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड सोसाइटी इन विच वी लिव एज द एरिया फूड प्रोडक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम एरियाज ऑफ कंजप्शन. तो वो कहते हैं जी के
अनअवॉइडेबल इन द कम्प्लेक्स, कि कम्प्लेक्स जो हम और इंटीग्रेटेड जो जिस सोसाइटी में रहते हैं इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते, जिस जगह पे हम रहते हैं कि फूड प्रोडक्शन जो है ना वो सेपरेट है फ्रॉम द एरिया ऑफ कंजप्शन, कि जो वहाँ पे फूड बन रही है वो एरिया जो ऑफ कंजप्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ से बहुत दूर है, यानी फूड जो है वो गाँव में वगैरह में बन रही है और या फैक्ट्रियाँ जो हैं बहुत दूर लगी हुई और कंज्यूम जो है वो सिटीज़ में हो रही है। तो प्रेजेंट डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन के जो शहर बहुत ज़्यादा आबाद हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, तो ये फिर जो है ना इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है ना इतने दूर तक वो फूड को ले जा सकें विदाउट प्रिजर्वेटिव्स के, उसमें कुछ चीज़ें ऐड बगैर की, क्योंकि डिमांड जो है वो ज़्यादा है फॉर कन्वीनियंस रेडी टू ईट फूड्स एंड हीट एंड सर्व प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि कन्वीनियंस जो है ना वो डिमांड बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि लोग बहुत जगह बहुत दूर है जहाँ तक आपने पहुँचानी है, तो इसलिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। असेंशियल टू प्रिवेंट रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फॉर मेंटेनिंग द शेल्फ लाइफ हाई मॉइस्चर कंटेनिंग फूड्स, तो फिर जो कुछ ऐसी फूड्स हैं जो ख़राब हो सकती हैं, जो स्पॉइल हो सकती हैं, उनमें कुछ इस तरह के जो है ना वो मॉइस्चर वगैरह जो कंटेनिंग होती हैं, क्योंकि मॉइस्चर जो है ना वो चीज़ों वगैरह या सब्जियों वगैरह को या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उनको मॉइस्चर जो है ना इफेक्ट करता है, तो इस वजह से जो है ना वो प्रिवेंट करने के लिए चीज़ें ऐड की जाती हैं। फूड एडिटिव जो है ना इसमें मस्ट नॉट बी यूज टू डिसगाइज फॉल्टी प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स टू चीट कस्टमर, तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये नहीं होता फूड एडिटिव्स का बिल्कुल के चीट किया जाए या उस चीज़ की क्वालिटी को ख़राब किया जाए। यूज़ एंड सम ऑफ द कॉमन फंक्शन फूड एडिटिव्स, कुछ जो है ना यूज़ और जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स जो है ना ये हेल्प करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग इट्स स्टोरेज लाइफ, इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि उस फूड की स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज़ किया जाए, यानी अगर कोई फूड दो दिन में ख़राब होती है तो उसमें जब आप एडिटिव्स वगैरह थोड़े डाल देंगे तो वो प्रिजर्वेटिव जो है ना प्रिजर्व हो जाएगी, जैसे सोडियम बेंजोनेट है इन स्क्वैशेज में वो ऐड करते हैं ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद आता है जी टेस्ट, कुछ टेस्ट के लिए चीज़ें भी जो है ना वो ऐड की जाती हैं जिसमें फूड एडिटिव्स, ताकि टेस्ट और उसकी अपीयरेंस जो है फूड प्रोडक्ट की वो बेहतर बना जाए, जैसे ग्रेजिंग एजेंट्स ऑन फ्रूट्स, फ्रूट्स के ऊपर जो है ना वो ग्रेजिंग एजेंट है। फिर क्वालिटी, क्वालिटी को बेहतर इंप्रूव करने के लिए और उसको स्टेबिलिटी देने के लिए फूड को कुछ जो है ना वो ह्यूमिसेंट्स या मिक्स ड्राइड फूड ऐड किए जाते हैं। कलर और फ्लेवर देने के लिए कुछ डिफरेंट जो है ना कलर ऐड किए जाते हैं और उसके फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए कमर्शियली अवेलेबल जैसे जैसे जो है ना वो वनीला है, वेनालीन उसमें ऐड किया जाता है। देन जो है इम्पोर्टेंस है फूड एडिटिव्स, तो फूड एडिटिव्स की इम्पोर्टेंट इस वजह से कुछ जो है ना वो फूड जो होते हैं सब्जेक्टेड टू मैनी इन्वायरमेंटल कंडीशन, फूड को जो है ना वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक ही जगह रहेंगी, क्योंकि आप डिफरेंट जगह से उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना मुंतकिल होती है, तो उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, ऑक्सीडेशन एक्सपोजर टू माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के आगे जो है ना डिफरेंट जो एयर है वो डिफरेंट होती है, उसमें उसको एयर जब लगती है तो वहाँ से बैक्टीरिया इंटर हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन के साथ जो माहौल के साथ उसका वास्ता पड़ता है, तो फूड एडिटिव्स जो है ना वो प्ले करते हैं की रोल कि फूड की क्वांटिटी को क्वालिटी को मेंटेन करने में और जो करेक्टरिस्टिक दैट कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर की जो डिमांड है वहां तक पहुंचाने में। ये देखें जर्नी क्या है, अब यहां पे उगी वो ये स्ट्रॉबेरी जा रही है, देखें ये इसने यहां पे पहले जो स्टोर हुई है, फिर चेकअप हुआ है, फिर जो है ना खरीदी गई है, फिर गाड़ी में लोड हुई है और फिर दोबारा जा रही है कंज्यूमर तक, कंज्यूमर आगे जो है ना वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद दोबारा ये आगे और खाने वाले बंदे तक, कितनी लंबी जर्नी है। तो कीपिंग फूड सेफ होलसम एंड अपीलिंग फ्रॉम फॉर्म टू फोक, कि वो फूड जो बन रही है उसके लेके मुंह तक जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एडिटिव्स वगैरह डाले जाते हैं। टाइप्स ऑफ एडिटिव्स, एडिटिव्स जो है नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड वर्जन भी है और आर्टिफिशियल भी है। नेचुरल तो हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे बीट रूट है जूस है जिसको कलरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया, जैसे ये जो है ना वो रेड सा कलर है। देन जो है मेड मेड मैन मेड वर्जन है, मैन मेड जो इंसानों ने बनाई है, कॉपीज ऑफ सब्सटेंस, कुदरती तौर पे जो चीज़ें पाई जाती है जैसे ये बीट रूट का जूस है इसी तरह का उन्होंने आर्टिफिशियली बना लिया है, जैसे बेंजोइक एसिड है वो प्रिजर्वेटिव के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियली जो बनाया है मस्नूई तौर पे जाता है, नॉट वो नेचुरली पाया नहीं जाता, इसको प्रिजर्वेटिव डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे सिमोलोना और टैपियोका है पुडिंग्स में यूज़ होता है। वाट इज ई नंबर, सम एडिटिव्स हैज बीन इम्प्रूव फॉर यूज इन द यूरोपियन यूनियन, तो कुछ एडिटिव्स जो थे ना वो यूरोपियन यूनियन में इंप्रूव हुए, इन एडिटिव्स को ई नंबर कहा जाता है। ई नंबर टेल्स अस व्हाट द एडिटिव इज यूज्ड फॉर,
तो ई नंबर जो है ना, उसको वो ये जाहिर करता है कि ये कौन सा नंबर वाला है। जैसे ई 100 to 199, जैसे ना फूड कलर्स है, वो ऐसी चीज़ें जो फूड को कलर देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद जो है ना अगले 100 जो है वो 200 to 299 वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। 300 to 399 एंटीऑक्सीडेंट्स, और 400 to 499 जो है ना वो इमल्सीफायर्स या स्टेबलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। 500 to 599 जो है ना वो एंटी केकिंग एजेंट, और 600 to 699 फ्लेवरिंग और फ्लेवर इनहेंसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फूड को महफूज करने के लिए। अब जो प्रिवेंट होती है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो काज कर सकते हैं फूड स्पॉइलेज को, तो इसलिए जो है ना फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस तरह जो फूड है शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है एंड सॉल्ड टू द कंज्यूमर विद द लार्जेस्ट शेल्फ लाइफ। साल्टिंग एंड शुगरिंग जो है ना वो टू ओल्डेस्ट मैथड है प्रिजर्व करने के लिए फूड को, कि उसमें थोड़ी सी वो मीठा डाल देते हैं चीनी को, या फिर जो है ना वो सॉल्ट वगैरह नमक वगैरह ऐड कर देते हैं, या फिर उसको नमक से जो है वो ड्राई कर लेते हैं। जैसे जो मीट है, गोश्त जो है, उसको ट्रीट किया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो फिर जो है ना प्रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट, ये थे प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं प्रिवेंट एंटीऑक्सीडेंटिव रेंसिडिटी। तो ये फूड में हाई ऑन फैट्स एंड ऑयल्स, जो फूड्स उनको यानी जिन फूड्स में चर्बी ज्यादा होती है, तेल वाली होती है, उनको प्रिवेंट किया जाता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से। इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि सर्टन जो विटामिन होते हैं एंड वेरियस एमिनो एसिड्स होते हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जब आप उनको एयर में जो है ना हवा में खुली हवा में रखते हो। तो एंटी जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो सर्व टू प्रोटेक्ट देम, वो उनको बचाने में हेल्प करते हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट के दो तरह के टाइप्स हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं जिनको सिनर्जिस्टिक टाइप कहते हैं। सिनर्जिस्टिक टाइप होते हैं जो जिनको कहते हैं ये मामन, ठीक है, मदद करने वाले। फैट सॉल्युबल टाइप और दूसरे जो फैट में हल होते हैं, जिसमें फैट सॉल्युबल में BHA है, जिस जैसे अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी भी इसको कहते हैं, BHT है जो सिट्रिक एसिड है, और कैथीचेन है जिसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। नेचुरली जो है ना अक्रिंग सब्सटेंस जो है ना वो डू नॉट एंटीऑक्सीडेंट आर टोकोफिरोल, बट दे आर रेयरली यूज एज एडिटिव बिकॉज दे आर मोर एक्सपेंसिव देन सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो वो कहता है कि नेचुरली जो अक्रिंग सब्सटेंस है ना जिसमें जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे टोकोफिरोल्स है वो नहीं, बट दे आर रेडली, लेकिन उनको कभी कभी जो है ना यूज़ किया जाता है एज एडिटिव, क्योंकि वो मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे हैं सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। जो सिंथेटिक हैं वो इजी हैं, वो सस्ते हैं, और ये कुदरती तौर पर महंगे पड़ रहे हैं। तो इनकी इफेक्टिव इन लो कंसनट्रेशन, एक तो ये कम कंसनट्रेशन में चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा जो है ना वो मिक्स्ड एंटीऑक्सीडेंट समटाइम्स एक्ट सिनर्जिस्टिकली। तो जो मिक्स्ड हैं जो है ना वो मोस्टली बनाए जाते हैं। मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स, कि जो फ्रूट्स उतार लिए जाते हैं या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, वो फिर जो है ना वो जर्द नहीं होते, ब्राउन नहीं होते, उनकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज किया जाता है। कलर, फूड कलरिंग इज एडेड टू फूड टू रिप्लेस लॉस्ट कलर ड्यूरिंग प्रिपरेशन और टू मेक फूड लुक्स मोर अट्रैक्टिव। तो फूड कलर दो दो वजह से ऐड किया जाता है, एक तो ये हो गया कि जो उसका कलर लॉस्ट चला हो जाता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, दूसरा ये कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए। USA ने जो है ना 7 आर्टिफिशियल कलरिंग परमिटेड दिए हैं फूड में, जिनको डिफरेंट नंबर दिए गए हैं नीचे ये ग्रुप में, जिसमें सनसेट येलो है, टेट्राजीन है, एथरोसिन है। नेक्स्ट है व्हाई यूज कलर एडिटिव्स, कलर एडिटिव्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो रिस्टोर कलर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, के फूड को इतना टाइम हो गया है सब उसको, वेजिटेबल को, फ्रूट को, तो इसको एक उसके जो नेचुरल कलर है उसको जो है ना वो वापस रिटेन रखने के लिए या रिस्टोर करने के लिए कलर दिया जाता है। दूसरा नंबर पर इंश्योर किया जाता है कि बैच प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल इन अपीयरेंस और डज नॉट अपीयर ऑफ्स। तो ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो बैच है या जो कुदरती चीज़ है वो उसका कलर मेंटेन है वो वैसे की वैसे फ्रेश बताने के लिए। रेन फोर्सेस कलर आर रेडी इन फूड्स इनहेंस द येलोनेस ऑफ ए कस्टर्ड। तो जो है ना फिर कुछ कलर इस तरह होते हैं जो फूड को जैसे कस्टर्ड है उसमें येलो कलर या पिंक कलर देने के लिए। गिव कलर टू फूड, फूड इस कलर इसलिए दिया जाता है ताकि वुड बी कलरलेस, तो अगर नहीं देते तो वो फिर कलरलेस होंगी, और एंड सो मेक देम मोर अट्रैक्टिव एपिटाइजिंग एंड मोर सेलेबल। तो वो फूड की एक और स्ट्रेटजी होती है कि उसको मोर सेलेबल भी बनाना है और अट्रैक्टिव भी बनाना है टू इंश्योर कलर कंसिस्टेंसी, और इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि वो कलर प्रॉपर इंसिस्ट रहे। जैसे ये देखें अब जो है ना वो
इसमें उसने कलर दिया और इसमें कलर नहीं है, तो आप कौन सी, वो कह रहा है कि कलरिंग हैड बीन एडेड, वुड यू लाइक दिस सॉफ्ट ड्रिंक इफ नो आर्टिफिशियल कलरिंग एंड कलरिंग हैड बीन एडेड टू इट। तो वो कहते हैं कि किस हाल में आप इसको पसंद करेंगे, कि ये देखें सिंपल वाटर है और इसमें इसमें मरिंडा में जो है ना वो प्रॉपर डाला हुआ है फ्लेवर कलर, तो क्या करेंगे, तो वो ज़्यादा सी बात है वो कलर वाले सेलेक्ट करेगा, क्योंकि पानी तो पानी है, दूसरी तरफ फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर जो होते हैं वो इन्हांस करते हैं फूड की जो है ना वो इंटेंसिटी या फिर जो फूड की टेस्ट होती है विदाउट इम्पार्टिंग अ फ्लेवर ऑफ देयर ओन, इसका अपना फ्लेवर को डैमेज किए बगैर जो फूड के अंदर होता है। तो ये जो है ना वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ना वो ऐड किया जाता है प्रोसेस फूड में, फॉर एग्जाम्पल सम सूप सॉसेज एंड सॉसेजेस जो है बनाए जाते हैं। अब नेचुरल फ्लेवर सब्सटेंस जैसे जो है ना स्पाइसेस वगैरह उनके और फिर जो है ना हर्ब्स रूट्स ये एसेंस एंड एसेंशियल ऑयल्स हैव बीन यूज्ड, कि कुदरती तौर पे जो फ्लेवर है वो मसाले वगैरह ऐड करके या जो जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसमें मेथी वगैरह आ गई धनिया वगैरह आ गया, तो इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फ्लेवर जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहते एज दे वो सीजन और एरिया के लिहाज से प्रोडक्शन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। नेचुरल्स आर नाउ रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक फ्लेवर मटेरियल्स, कुछ जो नेचुरल है अब उनको सिंथेटिक यानी बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली जिसमें एस्टर्स एंड एंटीऑक्सिडेंट कीटोन्स, फिर जो है बनाने वाले भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल नेचर आइडेंटिकल होते हैं कि उनको फार्मूला केमिकली वो सेम होते हैं बस, दूसरे नंबर पे आता है जी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक वाइट सॉलिड होता है, ये पोजेस के द लिटिल फ्लेवर ऑफ इट्स ओन बट इट कैन ब्रिंग आउट द फ्लेवर ऑफ फूड, इट इज देयर फॉर ए फ्लेवर इनहेंसर, ये सिर्फ फ्लेवर को इनहेंस करता है। वाई यूज फूड फ्लेवरिंग, फूड फ्लेवरिंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक तो फूड के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, दूसरा जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है जो चला जाता है फूड प्रोसेसिंग के दौरान उसको रिस्टोर करने के लिए, और तीसरे नंबर पर फ्लेवर को टेस्टलेस बनाने विच आर टेस्टलेस, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो टेस्टलेस होती हैं उन फूड को टेस्ट बनाने के लिए फ्लेवर उसमें ऐड किया जाता है। फ्लेवर इन्हेंसेंस जो फ्लेवरिंग ऑन द अदर हैंड जो होते हैं वो एडेड किए जाते हैं वाइड रेंज ऑफ फूड्स में ताकि स्मॉल अमाउंट में पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ऐड किए जाते हैं, इनका कोई ई नंबर नहीं होता, डिफरेंट लॉज इनको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट विल से इफ फ्लेवरिंग हैव बीन यूज्ड बट इंडिविजुअल फ्लेवरिंग माइट नॉट बी नेम्ड। एंटी केकिंग एजेंट, अब कुछ एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी केकिंग एजेंट जो है ना वो placed in powder or granulated foods to prevent them from caking or sticking, के anti-caking जो होते हैं वो ऐसे powdered या granulated दानेदार चीज़ें होती हैं जो food को जो है ना वो stop करती हैं from caking or sticking, के वो आपस में stick ना हो जाए, cake ना बन जाए उनका। तो some anti-caking agents जिसमें sodium bicarbonate है, sodium ferrocyanide है and potassium ferrocyanide। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना ये वाइट सॉलिड और क्रिस्टलाइन होता है जैसे ये दिखाया गया है, तो ये अपीयर होता है एज अ फाइन पाउडर, ये स्लाइटली साल्टी टेस्ट होता है और फाउंड डिजॉल्व इन मैनी मिनरल स्प्रिंग्स, मैनी पीपल नो इट एज बेकिंग सोडा, जिसको मैनी पीपल जो है ना बेकिंग सोडा कहते हैं, ये एंटी केकिंग एजेंट होता है, इंश्योर करता है फ्री मूवमेंट्स ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ये ड्राइड मिल्क और टेबल सॉल्ट में इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फॉर्मिंग एजेंट, एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं या प्रिवेंट करते हैं फॉर्मिंग इन फूड, के वो जो जाग वगैरह बनती है, ये एजेंट जो है ना वो मोस्टली फूड जैसे डाइट पेप्सी डाइट कोक और स्प्राइट वगैरह में ऐड किए जाते हैं ताकि जो है ना वहाँ पे फ्राइंग ना हो, सो कुकिंग ऑयल टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्रॉथिंग ड्यूरिंग डीप फ्राइंग, कि जब आप उसको ज़्यादा ठंडा रखते हो डीप फ्राई करते हो तब वो जो है ना वो फ्रॉथ नहीं होती। मैनी टाइप्स ऑफ जो है ना वो डीप फार्मर्स इंक्लूड उसमें ऑयल बेस्ड हैं वाटर बेस्ड हैं और सिलिकॉन बेस्ड हैं। इमल्सीफायर या स्टेबलाइजर्स गैलिंग एजेंट्स, इमल्सीफायर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मिक्स इंग्रेडिएंट्स टुगेदर दैट वुड नॉर्मली सेपरेट, के इमल्सीफिकेशन उनकी करते हैं उनको इकट्ठा करते हैं कि वो चीज़ें जो नेचुरली कुदरती नॉर्मली जो है ना वो सेपरेट होती हैं लेकिन जो है ना ये जो होते हैं इमल्सीफायर उनको इकट्ठा करते हैं टुगेदर। दूसरे नंबर पर आते हैं स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं इंग्रेडिएंट फ्रॉम सेपरेटिंग अगेन, उनको दोबारा जो है ना सेपरेट होने से वो प्रिवेंट करते हैं, जिसको लोकस्ट बीन गम है ये स्टेबलाइजर्स हैं एगर एंड पेक्टिन के। तीसरे नंबर पर आते हैं गैलिंग एजेंट, गैलिंग एजेंट जो यूज़ होते हैं वो द कंसिस्टेंसी ऑफ ए फूड पेक्टिन वगैरह जो कंसिस्टेंसी होती है उसको चेंज करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो कंसिस्टेंटली अटैच होती है। थिकनर्स एंड ग्लेजिंग एजेंट्स को, थिकनर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सचर होता है जो इंक्रीज करता है विस्कोसिटी
विदआउट सब्सटेंशली मॉडिफाइंग इट्स ऑनर अदर प्रॉपर्टीज, के वो दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ये बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ जो है ना उसकी विस्कॉसिटी को बढ़ाता है। इट हेल्प गिव्स फूड बॉडी, फूड बॉडी देने के लिए उसको इस्तेमाल होता है, जैसे सॉस वगैरह में। ग्लेजिंग एजेंट्स हैं, ग्लेजिंग एजेंट जो है प्रोवाइड करते हैं कोटिंग या शीन ऑन द सर्विस ऑफ फूड, जैसे कॉन्फेक्टरी है, ताकि जो है उसकी शेल, एक तो उसको अपीयरेंस अच्छी हो, दूसरी शेल लाइफ बढ़ाने के लिए। स्वीटनर्स, कुछ स्वीटनर्स में इंटेंस स्वीटनर्स जैसे जो है ना सैक्रीन जो शुगर है ये ऐड किया जाता है मेनी टाइप्स ऑफ जो फूड्स हैं, ताकि जो है ना स्मॉल अमाउंट्स में डाइट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीटनिंग टैबलेट्स में। फिर जो है ना बल्क स्वीटनर्स जो है ना जिसमें सर्बिटोल है, ये सिमिलर स्वीटनर्स टू शुगर एंड आर यूज टू सिमिलर लेवल्स। कंसनट्रेटेड जो है ना कार्डियल ड्रिंक्स दैट कंटेन स्वीटनर्स आर गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 months टू 4 years, इट इज इम्पोर्टेंट टू डाइल्यूट देम फ्रॉम मोर देन फॉर अडल्ट। तो जो फूड वो कह रहा है कि जो ड्रिंक्स वगैरह बच्चों को दी जाती है मोस्टली छोटे बच्चों को, उनमें ज़्यादा जो है वो डाइल्यूशन होती है, ज़्यादा जितने डाइल्यूट किए जाते हैं उसमें ज़्यादा मिलावट की जाती है ताकि वो बच्चों को इफेक्ट ना करें। एसिड बेस एंड बफर्स, एसिड और बेस एंड बफर्स के आप फूड एसिड जो है वो ऐड किए जाते हैं फ्लेवर को शार्प बनाने के लिए, एक तो दूसरा वो एक्ट करते हैं एज आ प्रिजर्वेटिव एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। कॉमन फूड एसिड जो है जिसमें विनीगर है, सिट्रिक एसिड है जिसको हम सिरका कहते हैं, फिर लीम में जो है सिट्रिक एसिड होता है, टार्टारिक एसिड होता है, मैलिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है। एसिड बेस बफर जो है वो एसिडिटी और सैलिनिटी जो है वो या अल्कलिनिटी फूड की कंट्रोल करते हैं कि फूड एसिडिक है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। सम एडिटिव जो है फाउंड इन प्रोसेस फूड कलरिंग में जो है ना ताकि कलर को इम्प्रूव किया जाए, जैसे टेट्राजीन है, ये सिंथेटिक येलो डाई कलर होती है जो स्वीट डीसी फिजी ड्रिंक एंड पैकेट वगैरह में यूज होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स है ताकि फूड को प्रिजर्व किया जाए। फिर जो है ना इसमें बेंजोइक एसिड वगैरह है, सॉस एंड जैम में ऐड किया जाता है फ्लेवरिंग के लिए, ताकि उसके फ्लेवर को इन्फेंस किया जाए, जिसमें इथाइल जो है ना वो एथानोएट है जो सिंथेटिकली स्थिर है और ड्रिंक करता है। फिर एंटी ऑक्सीडेंट के लिए ताकि स्टॉप किया जाए फैट एंड ऑयल गेटिंग ऑक्सीडाइज चेंजिंग कलर एंड टेस्टिंग बैड, कि वो जो कलर और टेस्ट उसका बैड हो रहा है उसको भी तब्दील करता है। एडेड जो है ना बिस्किट बटर वगैरह में ये ऐड किया जाता है। इमल्सीफायर के तौर पे ऐड किया जाता है ताकि पानी और जो वाटर है टू मेक ऑयल एंड वाटर मिक्स एंड ऑल्टर द टेक्सचर ऑफ फूड, फूड के टेक्सचर को तब्दील करने के लिए। देन जो है एसिड एंड बेस है पीएच को कंट्रोल करने, स्वीटनर जो है ना उसकी स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए जैसे सर्बिटोल है, और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे विटामिन सी है या ascorbic acid। टेस्टिंग मेथड क्या इवाल्वेट करते हैं, कंप्रेसिव ट्रीटिंग करते हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर करने के बाद केमिकली एनालिसिस करते हैं, एनिमल टेस्ट करते हैं ताकि एस्टिमेट कर सकें फूड में एडिटिव कितना है ह्यूमन डाइट को। फिर जो है ना मेटाबॉलिज्म, जेनेटिकल टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजन एंड रिप्रोडक्शन देखते हैं। फूड एडिटिव सेफ्टी के लिए आप जो है ना वो फूड एडिटिव जो है ना वो ओनली द एडिटिव विच प्रेजेंट नो एप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्क टू कंज्यूमर, तो मोस्टली ये कोशिश की जाती है कि वो जो एडिटिव यूज किए जाए जो इनका कंज्यूमर पे कोई जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ADI जो है प्रोबेबल डेली इनटेक फ्रॉम ऑल फूड्स फॉर स्पेशल ग्रुप, तो ये चीज़ें जो है ना वो ADI वाले जो है वो स्पेशल उसकी छानबीन रखते हैं। फूड एडिटिव सेफ्टी में आगे नेक्स्ट है जी कि क्वांटिटी जो होती है एडिटिव शुड बी एट और बिलो द मैक्सिमम यूज लेवल, कि कोशिश किया जाए कि जो एक मैक्सिमम लेवल तक जाइए उससे नीचे ही रहे, उससे ज़्यादा जो है ना उसमें एडिटिव ना ऐड किए जाएँ। इससे क्या होगा फूड ग्रेड की जो क्वालिटी है वो भी हैंडल करें प्रॉपर, उसको भी जो है ना वो फूड उसमें जो अपने इंग्रेडिएंट है उनको भी कायम रखें। कैरी ओवर ऑफ ए फूड एडिटिव फ्रॉम ए रॉ मटेरियल टू अदर इंग्रेडिएंट आर अनएक्सेप्टेबल, तो किसी कैरी ओवर करने का कुछ भी जो है ना फूड एडिटिव या रॉ मटेरियल्स जो किसी और से इन्फेंट फार्मूला या पालर फार्मूली इस तरह का चीज़ें जो है ना वो यंग चिल्ड्रन के लिए इसलिए नहीं ऐड करनी चाहिए। एडवाइस ये है कि बाय फूड फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्स, कि किसी अच्छी शॉप से लें, किसी जो रेप्यूटेबल है रेपुटेशन वाला अदारा वहाँ से लें। लेबल को ज़रूर पहले पढ़ें प्री पैक चीज़ को, फिर जो है ना वो इंग्रेडिएंट लेबल लिस्ट और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद करें। पीपल जो एलर्जिक कंडीशन या जो एस्मा के पेशेंट हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन सम एडिटिव फूड की वजह से, तो वो जो है ना एडवाइस ज़रूर करें अपने प्रोफेशन के साथ ताकि हजिट पेंसिटिव बचें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक करने वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।